अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। सो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सहरी से। एंड बस बस सुबह सुबह जो है ना उठना ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज भाई आज हमारा पहला रोज़ा था और हम लोग जो है मतलब ये मेरा फर्स्ट रमज़ान था मेरा और हस्बैंड का, हम दोनों का एक साथ, दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। और हस्बैंड तो फटाफट उठकर जो है ना नीचे चले गए थे और उन्होंने कबाब्स और पराठा वगैरह जो है ना वो उसको रख दिया था फ्राइंग पैन के अंदर बनने के लिए। एंड जब मैं नीचे आई तो उन्होंने जो है ना ऑलमोस्ट लाइक हाफ जो है वो एक पराठा और बाकी कबाब्स तो रेडी हो गए थे और चाय भी पकने के लिए रख दी थी। तो खैर बहुत मुझे अच्छा लगा बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड। एंड तो भाई ऑब्वियसली उनका 3 साल के बाद वो किसी के साथ मतलब अपनी फैमिली के साथ जो है ना उनका ये रमदान होगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी लस्सी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मतलब मैं बिल्कुल घर वाली फील, यू नो लाइक अपनी अम्मी वाली फील। और जो हमारी अम्मी जो है ना दही और लस्सी बनाती थी तो बस मुझे कहा, मैंने कहा कि लस्सी मुझे बनानी है और यहाँ पर मैंने शुगर ऐड कर दी थी उसके अंदर और मैं लस्सी साथ में बना रही थी। और साथ में जो है ना मैंने कबाब से करा तो खैर हस्बैंड ने बनाए थे, उसको जस्ट गर्म ही करना था क्योंकि ऑलरेडी वो फ्राइड ही हैं, तो उसमें मैंने इतना कोई खास वो हमारा इतना कोई टाइम नहीं लगा। और दूसरी साइड पर पराठे भी फ्रोजन ही थे तो वो भी कुक हो गए थे। एंड यहाँ पर देखे मेरी लस्सी तैयार हो गई और इतनी मज़े की लस्सी बनी थी यार। मतलब आप इसको नमक वाली लस्सी भी बना सकते हैं, चीनी की जगह पर नमक भी डाल सकते हैं, दोनों ही बहुत शानदार होती हैं। एंड यहाँ पर हमारी लस्सी भी रेडी हो गई थी और साथ में मैंने जो है ना वो बनाया था अंडा भी बनाया था, उसमें जो है ना बहुत सारा कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज ऐड करके बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह से। तो वो भी बन के रेडी हो गया था। और ये देखें हमारा एक आज का सहरी हो गई आज की। और साथ में मैंने एक टीविया रखा है और इन केस वी यू नो लाइक खाना हुआ तो हम खा लेंगे। और साथ में लस्सी भी है ऑब्वियसली। और लेकिन ये कि एंड पे एक्टिविया तो मैं खा ही नहीं पाई थी, ना ही हस्बैंड ने खाया था और ना ही मैंने खाया था बिकॉज ऑब्वियसली पहला रमज़ान था, पहली सहरी थी तो इतनी आदत नहीं होती है। और प्लीज़ इग्नोर करें इनको, आप ये पॉट्स रखे हुए साइड पर क्योंकि ऑब्वियसली रात को मैंने वॉश करके रखे थे यहाँ पर, तो वो खैर ड्रेन होने के लिए रखे हुए होते हैं तो वो बस सुबह में उठाना भूल गई। इतनी हबड़ दबड़ वाली सिचुएशन होती है ना सहरी वाला, जो टाइम होता है बहुत जल्दी गुजर जाता है। हमने बनाई है आज लस्सी सहरी के अंदर, विच इज़ सो डिलीशियस। लो फैट मिल्क से बनाई है और बहुत मज़े की बनी है ना मुस्तफ़ा? हाँ। और ये तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, वरना तो मैं ये भी खाती हूँ अपनी सहरी में। लाजमी लाजमी खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है दही। ज़रूरी नहीं है टीविया ही खाएं, आप नॉर्मल दही भी खा सकते हैं। लेकिन ये कि हमारे घर में मेरी मम्मा तो मैं बहुत शौक से खिलाती थी। What happened? उसने चीनी नहीं डाली। गुड बॉय। मुस्तफा ने चाय बनाई है और उसी में चीनी नहीं डाली है। ये तो चम्मच है, इसमें ना शुगर ऐड कर। हमने सोचा आज हम नया गिलास में लस्सी पीते हैं। खैर अब ये बर्तन तो सुबह ही धुलेंगे, अभी तो नमाज़ पढ़ूंगी ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना सुबह में मिलते हैं, फिर उसके बाद फिर अपने दिन का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन जो है ना फर्स्ट सहरी हमने की है और आज का दिन कैसा गुजरता है। काइंड ऑफ एक्साइटेड थोड़ी सी, यू नो लाइक वो भी है, फर्स्ट जो 10 डेज होते हैं ना ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट का जो एक वीक होता है थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी रोज़ों के, क्योंकि ऑब्वियसली आपको खाने की भी आदत नहीं होती सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह बैठ के खाने की आदत नहीं होती है। और प्लस फिर आप डेली थोड़ा सा आपको ज़रा खाना भी अच्छा चाहिए होता है कि भाई थोड़ा फुलफिलिंग भी रहे, तो और उठने की भी आदत नहीं होती है तो थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग के कुछ डेज़। तो एक वीक के बाद फिर रूटीन जो है ना इंशाल्लाह सेट हो जाती है। तो बाकी ये कि लुकिंग फॉरवर्ड फर्दर, अभी जो है मैंने जल्दी से जो है ना वुज़ू करना है और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और फिर हम लोग सो जाएंगे एंड देन फिर उठकर फिर बाकी जो है ना नमाज़ और लाइक जोहर और फिर मैं कुरान पाक दिन में पढ़ूंगी। सो या दिस इज़ अपडेट।
खैर अभी अभी हम लोग उठ गए हैं। हस्बैंड तो खैर सुबह से उठे हुए हैं क्योंकि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो आज वो घर से काम कर रहे हैं। एंड अदर देन दैट जो है मैं अभी उठी हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में क्योंकि जो है ना नींद नहीं पूरी हुई थी मेरी कल रात को, तो लाइक परसों रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो ऑलमोस्ट लाइक 2-3 घंटे सोई थी। और फिर दिन में भी इवन मैंने सोने की कोशिश की बट मुझे नींद नहीं आई, तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हुई हुई थी। और तो फिर आज मुझे जो है नींद आ गई, तो मैंने कहा कि चलो यार सो जाते हैं। और हस्बैंड को नाश्ता वगैरह भी बनाने का कोई सीन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वी आर फास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये कि किचन तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सुबह में, सैरी करके हम लोग जो है बस नमाज़ पढ़ी है हम लोगों ने ना। और तो ये कि अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी जोहर में तो काफ़ी टाइम है, तो उससे पहले जो है ना अपना भी मैं योगा करूँगी। और ये मैं मैट भी छा लिया है ठीक है यहाँ पर, और अभी योगा करूँगी। टीवी भी मैंने ऑन कर लिया है, और तो अपनी योगा की वीडियो लगाएंगे और फिर एक्सरसाइज एंड योगा करेंगे। और इसके अलावा फिर किचन समेटना है, किचन समेटने से पहले जो है ना कपड़े में कुछ धोने के लिए डाल दूँगी ठीक है, क्योंकि कल जो है मैंने लाइट कपड़ों की लॉन्ड्री की थी, तो अभी वो भी मैंने अभी देखे हैं पूरे, तो मैंने ज़रा उनको भी उनके भी प्लेसेस को आगे पीछे चेंज वेंज किया है, तो अब वो भी जो है ना जाहिर सी बात है वो हो जाएंगे ड्राई। अभी होने में थोड़ा सा वक्त है उनको लगेगा, तो पूरी रात हीटिंग पे लगे रहे थे तो वो ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं। तो ये देखें ये सारे मैंने हीटिंग पे लगा दिए हैं यहाँ पर ठीक है, ये सारे कपड़े ये सारे जो है ना अभी मैंने उनको ज़रा आगे पीछे उल्टा पुलटा किया है। और इन कपड़ों को आप टोटली इग्नोर करें क्योंकि ये जो है ना मतलब खैर अनस्टिच हैं, कहीं से आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा जो है इनको समेटूंगी जब ये पूरे ड्राई हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ना कुछ तो ये इस हीटिंग पे हैं, कुछ दूसरी लाइक बाकी की दोनों दूसरी साइड पे दोनों हीटिंग्स हैं उसके ऊपर भी कपड़े हैं, एरर भी कपड़े हैं। कल एक्चुअली 2 लोड लगे थे, लाइट कपड़ों की लॉन्ड्री अलग लगाई थी और दूसरा एक मैंने अपना जो है वो बेडशीट और डूबे वगैरह धोया था, तो वो भी जाहिर से पता है वो तो एक में ही आ जाता है, तो वो भी वॉश हुआ है, तो वो एरर पे मैंने डाला है। तो अब मैं सोच ये रही थी कि यार मतलब मैं इनको धोंगी तो डालूंगी कहाँ पर, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू हैंग दीज क्लॉथ्स अदर देन दिस वन, क्योंकि ये इसके ऊपर तो ऑलरेडी दे आर बुक्ड ठीक है। और जीन्स वगैरह भी नहीं सूखी हैं, कुछ कपड़े ड्राई हो गए हैं लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा उनको लगाती हूँ, थोड़ा सा यू नो लाइक नमी शमी होती है तो वो ज़रा अच्छे से ड्राई हो जाती है। समेटना है घर भी थोड़ा सा यू नो उल्टा पुलटा हुआ हुआ है, ये देखें सारी चीज़ें ना, लिविंग रूम भी काफ़ी उल्टा पुलटा हुआ हुआ है। एंड फिर उसके बाद जोहर का टाइम हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह नमाज एंड कुरान पाक पढ़ूंगी और फिर बाकी के काम आपको फिर दिखाते हैं और फिर बताती हूँ मैं। सो या दिस इज अपडेट। खैर बाकी घर के काम निपटाने के बाद जो है फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी इफ्तारी वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर आज मैं बना रही थी पकौड़े, लाइक वो प्याज और आलू वाले पकौड़े और उसमें पालक वाले ना, ये मेरी मदर बनाती हैं तो हमारे घर में तो यही बनते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आते हैं उनको, तो स्पेशल वो मुझसे फरमाइश करते हैं इस तरह के पकौड़े बनाने के लिए, तो चिप्स की तरह के बारीक बारीक आलू काट के, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। और प्याज को भी स्लाइस करके उसमें ऐड करें तो बड़े मज़े के लगते हैं। और ये देखें मैंने सूखा पालक इसमें ऐड किया है, ये मेरी मदर इन दोनों में मुझे बना के इस तरह के दिए थे पैकेट्स, तो बड़े मज़े के लगते हैं यार। पालक जो है ना आप पकौड़े में डालें उसका लेवल ही अप हो जाता है ठीक है, उसमें बहुत सारा धनिया और बहुत सारी हरी मिर्च, बस उसका लेवल अगर आपको अप करना है ना, इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है ना उसके अंदर से कि मतलब बस मैं क्या बताऊँ। तो बस इसमें बाकी बेसिक मैंने मसाले डाले थे, सॉल्ट, रेड पेपर एंड ज़ीरा, और इसके अलावा मैंने गरम मसाला ऐड किया था, कोरिएंडर का जो लाइक सूखा वो होता है ना धनिया उसका पाउडर। अच्छा यहाँ पर एक टिप शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको पकौड़े अपने क्रिस्पी बनाने हैं ना तो उसमें बेसन जो है ना बहुत ज़्यादा मत डालें, यानी कि ये अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए ना प्याज और आलू वगैरह ये ज़्यादा डालें, पालक ज़्यादा डालें और बेसन इतना ही डालें कि वो अच्छे से बस बाइंड हो जाए उसके साथ, बहुत ज़्यादा बेसन ओवर ना डालें उसके अंदर ना, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और मैंने इसके अंदर जो है ना कोई बेकिंग पाउडर कोई सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस इस मिक्सचर को बना के थोड़ा सा पानी कम रखें ठीक है,
पानी को थोड़ा सा कम रखें, उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो फिर थोड़ी सी थिक रखें, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको ज़रा रखना है थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे तो ये वैसे ही थोड़े से ज़रा फ्लफी बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिस्पी भी होते हैं। मैं यहाँ पर मैं समोसे वगैरह भी ऐड वो फ्राई कर रही थी और दूसरी साइड पे मैंने रोल भी ऐड किए थे। अब जाहिर सी बात है, दो लोग हैं, दो लोगों के लिहाज से ही मैं इफ्तारी बना रही थी, और आज फर्स्ट हमारी इफ्तारी थी आज की, तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ मैं बनाऊँ और कितनी बनानी चाहिए क्वान्टिटी वाइज, यू नो। बाकी ये कि पकौड़े मैंने आज बनाए थे, और बाकी ये कि फ्रूट चाट मैंने बनाई थी, और बाकी तो सारी चीज़ें मेरे पास फ्रोजन बनी हुई रखी थी, तो वो मुझे सिर्फ फ्राई करनी थी। वैसे तो चने की चाट भी बनानी थी, लेकिन ये कि हस्बैंड ने कहा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि फिर यू नो लाइक फर्स्ट इफ्तारी है, तो लेट सी हम कितना खा पाते हैं उस लिहाज से। तो मैंने फ्रूट चाट थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी उस लिहाज से, एंड इसमें मैंने काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐड किए थे, एप्पल, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज एंड ग्रेप्स। इसके अलावा मैंने इसमें और क्या डाला था, कीवी भी डाली थी, इसके अलावा मैंने ऑरेंज भी एक थोड़ा सा काट के मैंने डाल दिया था, उसको स्क्वीज भी कर दिया था। मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा उसका फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, बाद में मैंने इसमें ऑरेंज जो जूस मैंने बनाया था वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, हस्बैंड ने कहा कि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो खैर मैंने वो भी ऐड कर दिया था। और हस्बैंड आज घर से काम कर रहे थे, तो वो भी जो है वो आ गए थे, उनको मैंने बुला लिया था कि चले आ जाए आप, मैंने टेबल लगा दी थी। और यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी बना रही थी दही में, और ये बस मैंने इसको 1 क्यूब मैंने इसमें ऐड कर देना है, और दैट्स इट, मुझे इसमें और कुछ भी काम नहीं करना। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी इफ्तारी जो है वो डन हो गई थी, और ये मैं टेबल लगा रही थी, और ये देखें हम घर वालों को भी दिखा रहे थे कि ये हमारी आज इफ्तारी जो है ना ऐसी डन हुई है। खैर, क्योंकि पिछले 3 साल से हस्बैंड जो है ना अकेले रमजान जो है वो होता है उनका, तो जाहिर सी बात है वो बाहर से इफ्तारी वगैरह लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो घर वाली फील तो नहीं आती है ना, जाहिर सी बात है। तो आज वो बहुत खुश भी थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था उनको, तो माशाल्लाह से। ऑल्दो मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, बट स्टिल वी वर सो हैप्पी। तो चलें, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।